हवा महल, जहां मन चाहे खड़े हो जाओ, शीतल हवाएं आपका स्वागत करती हैं। पता है, मैंने और शिप्रा ने कई दोपहर यहाँ बैठे बैठे मयूर और अन्य पक्षियों की अटखेलियां देखी है। यहाँ के उपवन में उन्हें नाचते और चहचहाते हुए देखा है। वैसे शिप्रा है कहाँ? राजकुमारी जी, वो शिप्रा आपके लिए सुंदर और सुगंधित पुष्प लेने गई है, ताकि वो आपके कक्ष में उन्हें सजा सके। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे भी कुछ लाना था, मैं बस अभी आया। अरे तुम जाओ जाओ, तुम काम करो। दास एक क्षण। एक क्षण रुको दास, मेरा भी कुछ काम है, वो भी कर दो। चंद्रगुप्त राजकुमारी दुर्दरा को लेकर हवा महल के लिए निकल चुका है और उसने कहा है कि निश्चित रूप से दूसरा पैर होते ही यहाँ पहुंच जाएगा। मगध की सेना भी शीघ्र ही प्रस्थान करेगी और इससे पहले असाका पर कूच करने के लिए धनानंद की सेना सेल्यूकस की सेना के साथ जुड़ जाए। हमें धनानंद की सेना को रोकना होगा और इसके लिए हमारे पास अधिक समय नहीं होगा, और यदि ये दो सेनाएं जुड़ गई तो धनानंद को हराना असंभव हो जाएगा। और बिना राजकुमार चंद्रगुप्त के नेतृत्व के हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा महारानी। यदि चंद्र ने कहा है कि वो लौटेगा तो वो अवश्य लौटेगा, चाहे मार्ग में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना। अपने राजकुमार और अपने लक्ष्य में विश्वास रखो, वो लक्ष्य जो शीघ्र पूरा होगा। आशा है कि तुम शीघ्र लौटोगे चंद्र। हाँ हाँ अवश्य, किंतु शीघ्र बताइएगा, मुझे कहीं और भी जाना है। धीरज रखो दास, धीरज। पहले मुझे 4 किलो मिठाई चाहिए और मेरे कक्ष में 20 रुई के तकिए लगवा देना, और मेरे बालों के लिए ये जड़ी बूटियाँ लिखी हैं, उचित तौल और मात्रा में मेरे कक्ष में रखवा देना, और भोजन के पश्चात पाचन के लिए मुझे जिस पदार्थ की जरूरत है वो भी लिखा है। और हाँ, शीतल गर्म और मध्यम ताप जल के 3 पात्र मेरे स्नान घर में रखवा देना, और मेरे सोने की दाईं तरफ 1 पीकदान और बाईं तरफ पान की 1 थाली हो। हे भगवान, गोवी भैया के काम करते हुए तो दास इतना थक जाएगा कि उसके पास मेरे लिए ना तो समय शेष रहेगा ना शक्ति। और हाँ, मेरे मनोरंजन के लिए 4 संगीतकार और दिन में 4 बार मालिश करने वाला 1 मालिश वाला भी चाहिए। इतने से काम चल जाएगा, कर लोगे ना ये? हाँ, किंतु समस्या ये है कि मैं भी इतना सा ही हूँ और इतने सारे काम करने में तो मुझे कई सारे पहर लग जाएंगे। तो क्या हुआ दास, तुम्हें कोई और काम भी है? हाँ कोई भैया, क्या आपका कार्य करने से पूर्व दास मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है? विनती है आपसे मेरी। अवश्य। धन्यवाद। चलो दास, मैं तुम्हें काम सताती हूँ, चलो चलो। पता नहीं अब क्या करेगी ये सरफिरी राजकुमारी। आचार्य जी, मैं आपका सुझाव मानकर अपनी सारी सेना को उत्तर से पश्चिम की ओर ले जाने में सच हूँ, और साथ ही आपसे ये आशा करता हूँ कि आपकी क्षत्रिय सेना और आपका भावी सम्राट मगध की सेना को सेल्यूकस की सेना से पहले रोक सके। आप निश्चिंत रहें महाराज, पीपली बन के क्षत्रिय और राजकुमार चंद्रगुप्त इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि यदि धनानंद को आज नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत का इतिहास बदल जाएगा, और ऐसा वो होने नहीं देंगे। दास, तुम गोवी भैया को नहीं जानते, पता है उनसे तंग आकर कहीं दास महल छोड़कर भाग गए हैं।
और दुर्भाग्यवश उन्होंने इस बार तुम्हें चुन लिया। अब वो एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, किंतु मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। धन्यवाद राजकुमार जी, आपने मेरी असहजता को भांप लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन गोवी भैया के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता था। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं ये कर रही हूँ। क्या हुआ राजकुमारी जी? दास, मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आए। राजकुमारी जी, जाने दीजिए मुझे। दरवाजा खोलिए। मैं गोवी भैया के कारण तुम्हें अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी दास। अब मैं पिपलीवन के क्षत्रियों तक कैसे पहुंचूंगा?